फ्रेंड्स, पूनम मिश्रा रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे। तो देखिए, हमने यहाँ पे चना ले लिया है एक कटोरा। इसे मैंने रात में ही भिगो दिया था, पूरी रात ये भीगा था। अभी सुबह हम इसे अच्छे से धो कर देखिए रख दिए हैं। तो अब चलिए हम छोले बनाना शुरू करते हैं। तो हम इसे कुकर में डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम चने को कुकर में डाल दिए हैं। अब हम इसे एक साइड में करते हैं। ये देखिए, हम एक छोटा सा कपड़ा ले लिए हैं और इसमें हम एक चम्मच चाय की पत्ती डाल देते हैं। और ये देखिए, दो तेज पत्ते हैं, ऐसे डाल देते हैं। आप इसे मोड़ कर डाल दीजिए, ऐसे करके आप इसको डाल दीजिए ऐसे। और ये देखिए, तीन चार लौंग है, इसे भी डाल देते हैं। और अब हम इसकी अच्छे से पोटली बना देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम उसकी पोटली बना दिए, चाय पत्ती की, तेज पत्ते की और लौंग की छोटी सी पोटली बन गई। अब इसे हम अपने चने में देखिए ऐसे डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और कुकर को बंद कर देते हैं। देखिए, अब चने में पानी डाल दिए हैं, अब हम कुकर को बंद कर देते हैं। कुकर को देखिए हमने बंद कर दिया। अब इसमें हम 5-6 सीटी लगा लेते हैं, तब तक आगे की तैयारी शुरू करते हैं। इसमें हम आधा चम्मच खाने वाला सोडा डाल देंगे ताकि हमारे चने अच्छे से पक जाए। आइए फ्रेंड्स, हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, जो हम मार्केट से छोले वाले मसाले लाते हैं उसे हम घर में ही बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये देखिए, 8-10 दाना काली मिर्च का हम ले लिए। ये देखिए, जीरा है हमारे पास, इसे भी डाल देते हैं। और ये देखिए, कसूरी मेथी है, इसे भी डाल देते हैं। गरम मसाला 1/2 चम्मच, इसको भी डाल देते हैं। और ये 1 चम्मच पिसी हुई धनिया है, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी है, ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है, ये देखिए काला नमक है 1/2 चम्मच, हम इसे भी डाल देते हैं। बस फ्रेंड्स, अब हम इसे तैयार करते हैं। देखिए, इससे हमारा बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट छोले का मसाला तैयार होगा। तो अब हम इसे पीसते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बन गया ना एकदम मार्केट वाला मसाला हमारा। तो इसी तरह से अब आप घर में ही छोले मसाले बनाइएगा। अब मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, और बहुत ही टेस्टी छोला इससे आपका बनेगा। ये हम अमृतसरी छोले बना रहे हैं, तो देखिए उसका मसाला, छोले मसाला आपका घर में आप अपने से बनाइए। अब देखिए, तो चलिए हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चना हमारा एकदम अच्छे से सोडा डाल देने की वजह से उबल गया है, बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखिए, हम हाथ में लेके दिखाते हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से चना पक गया है। तो चलिए अब हम इसे छोला बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो अब हम इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। ये देखिए, तेल ऐसे डाल देंगे और इसमें हम 1 चम्मच देसी घी भी डालेंगे। दोनों को साथ में गरम करेंगे। देखिए, तेल को अच्छे से गरम हो जाने देते हैं हम। ये हम 2 प्याज का पेस्ट बना लिए थे, देखिए, तो इसे डाल देते हैं तेल में हम सीधे ऐसे ही। और इसे अच्छे से भूनेंगे जब से इसका कच्चापन दूर हो जाए। प्याज थोड़ी सी भून गई है, तो यहाँ पे हम अदरक लहसुन और मिर्चे का पेस्ट है उसे भी डाल देते हैं। इसे भी भून लेते हैं, इसे भी चला देते हैं। प्याज हमारी भून गई है अच्छे से, देखिए तेल छोड़ रही है। तो अब हम यहाँ पे 2 टमाटर का पेस्ट बना लिए थे, उसे भी डाल देते हैं मसाले में। नमक डाल देते हैं हम इसमें और इसे चला देते हैं। अब अच्छे से हमारा टमाटर भून जाएगा और इसे 5 मिनट तक इसे भी भून लेते हैं। ये देखिए, अब टमाटर भी अच्छे से भून गया, तो जो मसाला हम तैयार किए थे अब उसको डाल देते हैं इसमें। देखिए, एकदम मार्केट वाला मसाला लग रहा है, इसी तरह से आप भी बनाइएगा। देखिए, हम इसमें
थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जल ना जाएं। अब हम अच्छे से चला देंगे। अब मसाले भी थोड़ा सा भून जाएं। ये देखिए कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर मसाले से आ गया है और टमाटर की ग्रेवी से। तो अब इसे हम 5 मिनट भून लेते हैं और ऐसे इसको ढक देते हैं। मसाला अच्छे से भून गया है, सारा तेल ऊपर आ रहा है देखिए। अब हम इसमें अपने छोले डाल देते हैं। ये देखिए चने हमारे हम डाल देते हैं इसमें और इसे चला देते हैं ऊपर से नीचे। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो हम पानी चने के साथ रखे थे जिसमें हम पोटली बनाकर डाले थे, ये देखिए पोटली इसे निकाल लिए हैं और ये उसका पानी है। इसे हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पानी है, इसमें मसाले की सारी खुशबू है तो इससे कलर भी आपके छोले का अच्छा आएगा। तो हम ये पानी डाल देते हैं इसमें। ये देखिए आपके मसाले का ही पूरा फ्लेवर है इस पानी में। तो आपको जब ग्रेवी में पानी कम लगेगा तो आप दूसरा पानी और डालिएगा इसमें। पहले तो हम यही पानी डालकर देखेंगे। ये देखिए कलर आप इसी पानी की वजह से देख सकते हैं कलर अपने छोले का। कितना प्यारा और कितना अच्छा कलर आया है देख लीजिए फ्रेंड्स, उसी पोटली की वजह से। और चने भी हमारे एकदम अच्छे से गल गए थे, हमने आपको दिखाया भी था। तो देखिए थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे इसमें क्योंकि इतनी ग्रेवी पर हम इसे उतारेंगे, तो ज़रा सा पानी हम और डाल देते हैं। बस अब रहने देते हैं और इसे हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा ये मसाला अंदर चने में भी हो जाए, उतारते हैं। कटोरे की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हम 2 कटोरी मैदा ले लिए थे, इसे थाली में रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर लिए हैं, उससे थोड़ा कम हम बेकिंग ये खाने वाला सोडा है और ये 1/2 चम्मच नमक है मेरा। तो हम इन तीनों को इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं सबको अच्छे से। अब देखिए हम सबको मिक्स कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम 3-4 चम्मच दही ले लेते हैं। ये देखिए ऐसे दही डाल देते हैं इसमें, पूरी ही डाल देते हैं। अब हम इसमें 3-4 चम्मच देखिए तेल डाल देते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच बस। अब हम इसे पहले हाथ से ही पूरा मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स सब मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ऐसे ऐसे गूँथ लेंगे। ज़्यादा पानी एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा ऐसे। हम इसे इसका एकदम वो टाइट वाला डो नहीं लगाना है, सॉफ्ट ही लगाना है। तो हम इसे मलते रहेंगे, इसी ट्रिक से बनाइएगा, भटूरे एकदम आपके फूलेंगे बहुत अच्छे से। देखिए सबको हम मिला लेते हैं अच्छे से। ये देखिए आटे को हम लगा लिए हैं और बिल्कुल मुलायम है। ये देखिए इसे ऐसे 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 आपको मलना पड़ेगा, इसीलिए हम थाली आज बड़ी लिए हैं। और भटूरा का आटा बनाने के लिए आप भी थाली को बड़ी लीजिएगा ताकि आसानी से आप उसको आटे को मल सकें। ये देखिए अब हम इसे उठा उठा कर ऐसे पटकेंगे, ऐसे ऐसे 8 से 10 बार आपको आटे को ऐसे ऐसे पटकना है, इससे इसमें हवा आ जाती है अच्छे से तो भटूरे बहुत अच्छे से फूल जाते हैं हमारे। ऐसे ऐसे पटक देंगे हम इसको, इससे आपका आटा सॉफ्ट भी बनेगा। ऐसे 8 से 10 बार आप कर दीजिएगा, बहुत अच्छा भटूरा बनेगा आपका। देखिए आटा भी सॉफ्ट हो जा रहा है, बस ज़्यादा मेहनत नहीं आपको करना है। ऐसे करके अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, ढक के। एकदम अच्छे से अब तैयार हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी हो गई है। ये देखिए अब हम इसे ढक देते हैं। देखिए कितने अच्छे छोले, ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी हो गई है। अब इसे बंद करते हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे। बस आटा देखिए रेडी हो गया हमारा और हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिए थे। तो अब हम इसे ढक देते हैं थाली से 10-15 मिनट के लिए।
आइए फ्रेंड्स, ये देखिए आटा हमारा देखिए एकदम तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना अपना। ये देखिए कैसे हमें इसकी लोई लेनी है, उसका भी तरीका है। ये देखिए ऐसे करेंगे हाथ में हम, ऐसे और फिर ये ऐसे, ये देखिए भटूरे का, ये देखिए हम ऐसे काटेंगे भटूरे का, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे गोला कर देंगे, ये देखिए ऐसे हमको इसका बनाना है। फिर हम अगला लेंगे लोई, फिर उसे ऐसा गोला करेंगे और फिर इसे हाथ से ही ऐसे काट लेंगे। देखिए फिर ये दूसरा गोला हो गया आपका। इसी आइडिया से आपको बनाना है। चलिए हम शुरू करते हैं तब अब बनाना। इसे साइड में रख देते हैं और देखिए इसे हाथ से प्लेन कर देते हैं। अब हम चकले पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे अपने, क्योंकि हमें मैदा लगा के नहीं बेलना है। तो हम इसे अब फैलाते हैं हाथ से। चलिए अब इसे धीरे धीरे हम बेल लेते हैं। ये देखिए आपको लंबा बेलना है लंबा बेल लीजिए, गोल बेलना है गोल बनाइए, जैसा बनाना वैसा बनाइए। देखिए कितना अच्छा आपका बन जाएगा, मैदे की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल ऐसे ऐसे बेल लीजिएगा इसको। ये देखिए भटूरा हमारा कितना अच्छे से बन रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो गया। तो अब हम इसमें भटूरे को डाल देते हैं। ये देखिए ऐसे धीरे से छोड़ देंगे और इसे पौने से ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे। ये देखिए भटूरा कितने अच्छे से एकदम डब्बे जैसा हो गया। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा हो गया ना भटूरा, देख लीजिए आप। ये देखिए इसी तरह से आप भटूरे को अब बनाइएगा। अब तक चाहे जैसे बनाते हो पर अब ऐसे इसी तरीके से बनाइएगा। ये देखिए कितना अच्छा और कितना बढ़िया भटूरा हो गया है, देखिए फूल के पूरा हो गया है ये। तो हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से फूला है भटूरा, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, छोले और भटूरे हमारे तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप छोले भी बनाइएगा, उसके मसाले भी बनाइएगा और भटूरे को भी जैसे बताएं उसी तरह इसका आटा तैयार करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह बनाइए और खाकर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी हमारी। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।